है टाइप फोर्थ की बारी, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्या है वेरिएबल्स हैं, पता नहीं क्या वैल्यू है इसकी, इफ यदि इतना बराबर इतना हो। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है यदि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव। एक्चुअली यहां पर जो ये दिया हुआ है इसी को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, समथिंग प्लस समथिंग इंटू रूट फाइव आ जाएगा। तो जब वो ऐसा आएगा तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहां पर आप एक साथ चल सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइप थर्ड में बताया था कि जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हम एलएचएस लेकर के प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो एलएचएस लेकर के आरएचएस लाएंगे और आरएचएस से लेकर के एलएचएस लाएंगे। लेकिन यहां पर आप दोनों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कि एक तरह से इक्वेशन हो गया, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ये इतना छोड़ इतना, तो हम यहां पर क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो हमेशा हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को ही, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होना है कि हम हमेशा रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को ही, क्योंकि हम जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो नीचे कोई इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, हमेशा रेशनल रहेगा, और जब रेशनल होगा तो डिवाइड करने में सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसीलिए करते हैं। ओके तो करते हैं, यहां पर हो जाएगा सेवन प्लस थ्री रूट फाइव अपॉन थ्री प्लस रूट फाइव, मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री माइनस रूट फाइव से अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव से, और माइनस यहां पे माइनस करेंगे, यहां पे करेंगे सेवन माइनस थ्री रूट फाइव अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव, मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री प्लस रूट फाइव से अपॉन थ्री प्लस रूट फाइव से, और ये इक्वल टू आप लिखते जाएंगे हमेशा a प्लस बी रूट फाइव, ये हमेशा आप लिखते जाएंगे। अब यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब यहां पर हम इंप्लाई लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन है एक, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन माइनस सेवन रूट फाइव प्लस नाइन रूट फाइव 15 माइनस 15, ओके रूट फाइव रूट फाइव 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 थ्री जन 15 अपान, यहां क्या रहेगा देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, मतलब कि 9 माइनस 5 माइनस यहां भी कर लेते हैं, तो 7 थ्री जन 21 फिर प्लस 7 रूट फाइव, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा थ्री जा नाइन आएगा नाइन रूट फाइव आएगा, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा माइनस में 15 15 अपान, यहां पे क्या आ जाएगा थ्री जा नाइन माइनस फाइव, और ये हम हमेशा लिखते जाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन है। अब यहां पर नाइन माइनस फाइव सेम आ गया, हम एक साथ एलसीएम ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा फोर, तो ये 4 है तो ये जितना रहेगा वही रख देंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 21 माइनस 15, सॉल्व कर लेते हैं 21 माइनस 15 कितना रहेगा 5 6, ओके 6, और यहां पर देखिए ये सिमिलर सॉर्ट्स हैं, ये दोनों जो इरेशनल नंबर्स हैं दोनों सिमिलर हैं, क्यों कह रहा हूं मैं सिमिलर है क्योंकि रूट फाइव रूट फाइव दोनों में है, तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 ये आ गया 21 माइनस 15 6 आ गया, और ये 7 रूट फाइव प्लस 9 रूट फाइव सॉल्व करेंगे तो मिलेगा प्लस 2 रूट फाइव, एक्चुअली आ गया माइनस, अब यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली जो भी यहां पे आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कि ये ब्रैकेट में लेंगे जो भी लेंगे, यहां पर आएगा 21 माइनस 15 कितना आएगा 6 आएगा, और यहां सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस में टू रूट फाइव अपन इतना सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहां पर 21 माइनस इतना सॉल्व हो गया, यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी रूट फाइव। अब यहां पर क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली 6 माइनस 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 4√5, तो मतलब फाइनली जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4√5/4। ओके, 4√5/4 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव। यहां से 4 हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज इट इज डिविजिबल। ओके, तो यहां पर आ जाएगा इट इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन का मतलब कि देखेंगे कि यहां पर जो रियल पार्ट है और ये जो मतलब जो रेशनल पार्ट है और जो इरेशनल पार्ट है दोनों बराबर होंगे तभी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो सकता है। इसका मतलब कि ए किसके बराबर है फिर, तो यहां पर जो क्वांटिटी है ही नहीं इसका मतलब उसको मानेंगे जीरो, मतलब ये जीरो है। मीन्स आई एम कंपेयरिंग वी गेट ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू बी। मीन्स क्या बी, तो बी देखिए यहां पे रूट फाइव के पहले है यानी कि रूट फाइव में मल्टीप्लाइड है, यहां पर रूट फाइव में क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो बी बराबर 1। तो हमारा ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू 1। चलते हैं टाइप फिफ्थ पे।